नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोक नगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाले वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अशोक नगर शहर को साफ, स्वच्छ और क्लीन रखने के लिए एक नया प्रयोग किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा एवं विधायक जितपाल सिंह जज्जी के संयुक्त प्रयास से कल माधव भवन परिसर में एक आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम सारे बुद्धिजीवी एवं दूसरे लोगों को आमंत्रित कर उनके सुझाव लिए गए। पूरे शहर को साफ स्वच्छ कैसे रखा जाए और आगे की व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से कैसे हों, इन सबको लेकर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को मिशन क्लीन अशोकनगर नाम दिया गया है, जिसके तहत आगामी कुछ दिनों में अशोकनगर शहर के विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अवसर पर मंच को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि पूरा शहर क्लीन हो सके और प्रदेश स्तर की जो रैंकिंग होती है उसमें अशोकनगर का नाम ऊपर आ सके। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र और नगरपालिका के अलावा इसमें जनभागीदारी बढ़े, इस वजह से इस तरह की संकल्प जो है बैठकें आयोजित की जा रही हैं, लोग इसमें शामिल हों और अपने अपने विचारों के साथ पूरे शहर को अच्छा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं उन पर बात करें। कलेक्टर ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक प्रतियोगिता का माहौल रहेगा और जिन वार्डों के हालात सब अच्छे होंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि अशोकनगर शहर हमारा अपना घर है और अपने घर को, अपने मोहल्ले को और आसपास के इलाके को जिस तरह हम साफ रखते हैं, ऐसे ही नागरिकों से अपील की कि पूरे शहर को अपना घर माने और उसको स्वच्छ रखने में अपनी सहभागिता दें। विधायक ने कहा कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने घरों का कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, इस प्रवृत्ति से हमको जो है बाहर आना होगा, तभी ये शहर स्वच्छ रह सकता है। इस अवसर पर उन्होंने कई दूसरे कार्यक्रमों के बारे में भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने शहर की जनता को आह्वान किया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हों और घर घर से स्वच्छता के लिए काम किया जाए। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद के अलावा जिले भर के तमाम सारे अधिकारी एवं बुद्धिजीवियों के अलावा दूसरे लोग उपस्थित हैं। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा समिति की बैठक कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अशोकनगर विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अजय कटसेरिया, उप संचालक कृषि एस के माहौर, कृषि वैज्ञानिक बी एस गुप्ता, अशासकीय एवं शासकीय सदस्य उपस्थित थे। बैठक में आत्मा योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 की प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही वर्ष 2019-20 के प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने कहा कि कृषकों के हितों में ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाए जाए। कृषकों को राज्य के बाहर भ्रमण हेतु ले जाकर कृषि की नवीन तकनीक के बारे में प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में कृषि को लाभ का धंधा बनाने तथा कृषि को उन्नत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। कृषकों को समय समय पर कृषक संगोष्ठियों का आयोजन कर कृषि एवं कृषि संबंधी जानकारियां कृषकों को दी जाए। उन्होंने जिले में नवाचार हेतु तैयार नवीन 10 गौशालाओं में नेपियर घास लगाए जाने के निर्देश दिए हैं कृषि विभाग को। साथ ही 10 गौशालाओं में एजुला का डेमो कराए जाने के निर्देश भी कृषि वैज्ञानिक को दिए हैं। विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि फार्म स्कूल प्रशिक्षण हेतु बड़े क्षेत्रों का चयन कर अधिक से अधिक कृषकों को कृषि संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया जाए। उन्होंने जिला स्तरीय कृषि मेला का आयोजन आगामी माह दिसंबर के अंतिम सप्ताह में स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में कराया जाए। उन्होंने कृषक संगोष्ठी का आयोजन विकासखंड स्तर पर बृहद रूप से कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे अधिक से अधिक कृषक लाभान्वित।